हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंतोष गुप्ता मैथ्स पर। देखिए दोस्तों, आज आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं कि 1265 में किस संख्या से भाग करें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम एकदम बेसिक तरीके से आपको बताएंगे कि ये बिल्कुल बेसिक से दोस्तों कैसे लगेगा। क्वेश्चन दिया है 1265 में किस संख्या से भाग करें कि भागफल 84 तथा शेषफल जो है 5 प्राप्त हो। तो दोस्तों हम मान लीजिए यक्ष संख्या से भाग करते हैं, मान लीजिए कोई संख्या से भाग करते हैं, हम मान लीजिए यक्ष संख्या से भाग करते हैं किसमें 1265 में। ये कहे कि 1265 में किस संख्या से भाग करें कि भागफल जो होता है यानी 84 भागफल 84 तथा शेष जो आता है दोस्तों हम लोग यहाँ लिखते हैं तथा शेष 5 प्राप्त हो। यही दोस्तों क्वेश्चन होगा कि 1265 में हम किस संख्या से भाग करें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। समझे दोस्तों? अब इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, किस संख्या से भाग करें दोस्तों, भाजक बोलते हैं। नहीं सॉरी दोस्तों, ये भाज्य होता है, भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। एक दोस्तों ये फार्मूला होता है, देखिए आपको यहाँ पर बता दें, यहीं पर बता देते हैं दोस्तों। देखिए एक होता है भाज्य, फार्मूला होता है भाज्य बराबर दोस्तों होता है भाजक और गुणे भागफल धन शेषफल। ये दोस्तों एक फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। देखिए दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये फार्मूला होता है। अब देखिए यानी इसको क्या, यही दोस्तों ये क्या है, ये भाज्य है, यानी इसको निकालने के लिए भाज्य बराबर ये होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं भाजक। जैसे देखिए ये होता है भाज्य, जिसमें भाग किया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं। ये दोस्तों भाज्य है और भाजक इसको बोलते हैं जिससे भाग किया जाता है, जिससे भाग किया जाता है दोस्तों उसको भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग किया जाता है उसको भाज्य बोलते हैं, और जो भाग करने के बाद निकल कर आता है उसको भागफल बोलते हैं दोस्तों, ये भागफल। और जो शेष बचता है दोस्तों उसको शेषफल बोलते हैं। ये समझ में है कि नहीं दोस्तों? सेम प्रोसेस यही है। देखिए भाज्य यानी ये होता है भाज्य, यानी भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। अगर इसका गुणा इसमें कर देंगे प्लस इसको कर देंगे तो ये दोस्तों आ जाएगा आपका, ठीक है? समझ में आया दोस्तों? ये राइट आंसर। अब देखिए इसको हम प्रूव कर दें। जैसे देखिए दोस्तों 13 है, 13 में अगर आप 6 से भाग कर रहे हैं, 6 × 12 1 13 एक शेष बचा, हम बोले ये भाज्य होता है। अब भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी 6 × 2 और प्लस शेषफल 1 6 × 12 1 13, यानी कि भाज्य आ गए कि नहीं दोस्तों? यही तो है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी 6 × 12 1 13, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये तुरंत आ जा रहा है, इसका मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल ये राइट है। अब देखिए दोस्तों हम इस पर निकालते हैं, हमको निकालना क्या है कि 1265 में किस संख्या से भाग करें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। हमें वो संख्या ज्ञात करना है, यही हमको ज्ञात करना है। तो यही फार्मूला रखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल दोस्तों। तो अब देखते हैं, तो ये भाज्य बराबर यानी यहाँ लिखेंगे 1265 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल यानी 84 गुणे यक्स और धन शेषफल 5। बस इस समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, यक्स की जो वैल्यू निकाल लेंगे, यानी वही संख्या हमको पता चल जाएगी कि किस संख्या से हमको भाग करना है, इतना में किस संख्या से भाग करें तो वो संख्या हमको पता चल जाएगी दोस्तों। तो क्या करें दोस्तों, ये हो जाएगा 84x और ये प्लस 5 है, ये 5 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 1260 हो जाएगा। ये दोस्तों 1265 माइनस 5 1260 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 84x और यक्स की वैल्यू ज्ञात करना है तो 84 से इसमें भाग हो जाएगा, यानी 1260 और बटा दोस्तों हो जाएगा 84। अब इसको हम काट देंगे तो 12 × 7 = 84, 12 × 1 = 0, 12 × 5 = 60, यानी 15 × 7 = 105, 15, यानी वो यक्स की जो वैल्यू है दोस्तों वो आपकी कितना आ गई 15। यानी कहने का मतलब ये जो है इसका मतलब 15। क्वेश्चन पूछा क्या है दोस्तों, 1265 में किस संख्या से भाग करें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। तो दोस्तों वो संख्या है कितना, 15। यानी अगर 1265 में दोस्तों हम 15 से भाग करते हैं तो भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा इसका, 15। आई होप कि दोस्तों आपको इस क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किस फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।